हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इन हिस्ट्री। 70 के दशक में सिनेमा घरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से 3 पर राजेश खन्ना और 3 पर धर्मेंद्र का राज था। ये 6 फिल्में तो इन्हीं दोनों की थी, तो चलिए आज आपको इन दोनों की उन फिल्मों के बारे में बताते हैं। साल 1970 में दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना और धर्मेंद्र बॉक्स ऑफिस पर उनका राज था। इन दोनों की 3-3 फिल्में उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की जगह बनाने में सफल रही थी। वैसे तो उसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जॉनी मेरा नाम थी, जिसमें देवानंद और हेमा मालिनी नजर आई थी, लेकिन उसके बाद तो राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की ही फिल्मों का बोलबाला था। तो आइए आपको बताते हैं उन फिल्मों के बारे में। सच्चा झूठा। विकिपीडिया के आंकड़े के अनुसार राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना की साल 1970 में आई ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी। इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। आन मिलो सजना। राजेश खन्ना की ये फिल्म साल 1970 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और इस फिल्म के लगभग गाने भी लोगों के बीच सुपरहिट हुए थे। ये फिल्म अभी YouTube पर फ्री में उपलब्ध है। सफर। 1970 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में राजेश खन्ना की ये फिल्म 9वें नंबर पर थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अलावा अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान भी अहम भूमिकाओं में थी। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी और रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इस फिल्म को आप Zee5 पर देख सकते हैं। जीवन मृत्यु। धर्मेंद्र और राखी की ये फिल्म साल 1970 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। दर्शकों ने इस फिल्म को जमकर अपना प्यार दिया था। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। शराफत। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ये फिल्म साल 1970 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। रिलीज के साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी थी और लोगों को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म को आप YouTube पर फ्री में कभी भी परिवार के साथ देख सकते हैं। तुम हसीन मैं जवान। इसी साल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसका नाम था तुम हसीन मैं जवान। ये फिल्म साल 1970 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और दर्शकों ने जमकर इस पर प्यार दिया था। इस फिल्म को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।